हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर द फ्रैक्शंस गिवन बिलो, पार्ट ए, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द प्रोडक्ट टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। यानी कि हमें जो यहाँ पे नंबर्स दिए हैं इन फ्रैक्शन फॉर्म में, हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है, देन हमें रिड्यूस करना है इन्हें लोवेस्ट फॉर्म अगर पॉसिबल है तो। पॉसिबल है का मतलब क्या हो जाएगा भी, अगर आपका जो फ्रैक्शंस है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, उन्हें डिवाइड करके इन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर हमारे पास ऐसा आएगा कि जो न्योमिनेटर और डिनोमिनेटर है वो किसी सेम टेबल से डिविजिबल होंगे। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकेंड क्या पूछा गया आपसे, टेल वेदर द फ्रैक्शन ऑब्टेंड इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। आपको ये भी बताना है कि जो हमारा आंसर आएगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, तो जो आंसर है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। नेक्स्ट है, इफ़ द फ्रैक्शन ऑब्टेंड इज इम्प्रॉपर देन कन्वर्ट इट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन। तो ऐसा हम पहले भी करते ही आए हैं जब तक क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। उसमें हमने क्या किया था कि जब भी हमारा जो आंसर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है तो हम क्या करते हैं, इन्हें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो बस वही सेम कंडीशन हैं जो हम अभी तक फॉलो करते आए हैं, वही यूज़ करनी है। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या दिया है, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5 to 1/4। अब देखिए यहाँ पर ये भी हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में है, लेकिन अगर हम इसे देखते हैं यहाँ से, है तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकिन किस फॉर्म में है, ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो हमें पता है 5 to 1/4 को हम कैसे लिखते हैं इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 5 multiplied by 4 हो जाएगा एंड जो ऊपर वाला नंबर है वो क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। सो 5 4 20, 20 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 21/4। क्लियर? तो अब देखिए कैसे करेंगे, 2/5 एंड 5 to 1/4 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, 21/4। यहाँ पे जो नंबर कैंसिल आउट हो जाता है उसे कैंसिल आउट कर देंगे, न्योमिनेटर को डिनोमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर को न्योमिनेटर से। तो यहाँ पे देखिए 2 1 2, 2 2 4। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, 1, और यहाँ पे कितना है आपके पास, 21। ये मैं काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से हम कैसे काटते हैं इसे, इसको मैं दूसरे तरीके से भी एक बार बता देती हूँ, देन हम इन्हें इस तरीके से कट करते हुए ही चलेंगे। सो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 21/ में कितना आएगा, 5 2 10। अब आपसे पूछा क्या गया था फर्स्ट पॉइंट, कि इन्हें रिड्यूस करना है लोवेस्ट फॉर्म में। ठीक है, हमें पहले क्या करना है, इन्हें लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो लोवेस्ट फॉर्म में जब हम रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी लोवेस्ट फॉर्म बतानी है हमें, 21/ में क्या है आपके पास, यहाँ पे 10 दिया हुआ है। तो मतलब ये हमारा क्या है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है ये, एक तुम्हारा यही हो जाएगा कि कौन सा फ्रैक्शन है आपके पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये फर्दर सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमसे नेक्स्ट क्या पूछा गया था कि फ्रैक्शन जो ऑब्टेंड होगा अगर वो इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो आ गया, तो इन्हें कन्वर्ट करना है हमें मिक्स फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, 21 को 10 से डिवाइड कर देंगे। सो 10 2 क्या हो जाएगा आपके पास, 20, तो ये आएगा 1। सो राइट डाउन कैसे करेंगे लाइक दिस, ये आ जाएगा आपके पास 2 to 1/10, यानी कि कौन सी फॉर्म आ गई आपकी, यानी हमें इसे कन्वर्ट कर दिया ना मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है, जो आपसे पूछा गया है आप बताते जाएंगे एंड देन आंसर आइटम करते हुए चलेंगे। देन हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 की, 6 to 2/5 multiplied by 7/9। अब देखिए सिंपल, 6 to 2/5 किस फॉर्म में है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो कन्वर्ट कर लेंगे इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 multiplied by 6 इज 30, 30 + 2 = 32/5। क्लियर? सो यहाँ पे राइट करेंगे 32/5 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7/9। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ऊपर जो नंबर्स हैं और यहाँ पे नीचे किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, न्योमिनेटर की नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इन केस आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से कैंसिल आउट करना है, तो आप सिंपली इनकी मल्टीप्लाई करके देन जो आपका आंसर आएगा ना, उसे आप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे इन लोवेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे मैं ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, देखिए यही क्वेश्चन हम इस तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ पे था ना हमारे पास 2/5 मल्टीप्लाई में क्या आ गया था, 21/4। तो क्या करेंगे, पहले हम सिंपली फाइंड आउट करेंगे, 21 2 कितना हो जाएगा, 42/ में 5 4 कितना था आपके पास, 20। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना होगा कि क्या ये किसी सेम टेबल से डिविजिबल हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लास्ट में 2 है, यहाँ पे 0 है, इट्स मीन ये दोनों ही नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 21/10। वही आ गया देखिए, 21/10 जैसे हमने अभी फाइंड आउट किया था, एंड बाकी नेक्स्ट सेम रहेगी प्रोसेस आपकी लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32/5 मल्टीप्लाई में 7/9। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14,
7 3 21 एंड प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास 22 अपॉन 5 9 कितना हो जाएगा 45। अब देखिए क्या ये किसी टेबल से डिविजिबल है। अगर मैं यहाँ पे चेक करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे किसी भी टेबल से ये एक साथ डिविजिबल नहीं है, तो अब पहले देख लेते हैं कौन सा फ्रैक्शन है ये हमारा, कौन सा हो जाएगा ये इम्प्रॉपर, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू न्योमिनेटर। तो ये भी अगेन क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब हम करते क्या हैं आगे, इसे डिवाइड करना होगा। सो देखिए 224 को डिवाइड करेंगे किससे, 45 से, तो ये किस पे चला जाएगा, 4 पे। 4 5 20, 4 4 16 एंड 2 क्या हो जाएगा 18। देखिए कितना बचता है रिमाइंडर, 44। तो राइट एंड कैसे करेंगे, लाइक दिस, हम क्लॉक वाइज चलेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 2 44 अपॉन क्या आ जाएगा, 45। सो दिस इज़ योर आंसर, क्लियर। नेक्स्ट देखिए 3/2 मल्टीप्लाई बाई 5 to 1/3। तो यहाँ पे देखिए अगेन 3/2, अब 5 to 1/3 को पहले हम कन्वर्ट करेंगे इन प्रॉपर फ्रैक्शन। सो 5 3 15 प्लस 1 इज 16/3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 16/3। अब सिंपली आप न्योमिनेटर को न्योमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे भी सिंपली इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम मल्टीप्लाई करने के बाद करेंगे। ठीक है, तो 16 3 कितना हो जाएगा, 48 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 2 6। अब देखिए क्या ये किसी एक टेबल से डिविजिबल है या नहीं, तो अगर हम चेक करते हैं तो 6 की टेबल से ही ये डिविजिबल है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8। तो अब सिंपली आ गया, 8 हमारा होल नंबर है। ठीक है, तो इसे हमें आगे कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए 5/6 मल्टीप्लाई बाई 2 to 3/7। यहाँ पे 5/6 तो मैजिक इज लिख देंगे, अगेन 2 to 3/7 हमारा कन्वर्ट करना होगा इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सो 7 2 14, 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 17 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास, 7। सो राइट हम करेंगे यहाँ पे 17/7। अगेन देखिए न्योमिनेटर की न्योमिनेटर से मल्टीप्लीकेशन होगी एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। सो यहाँ पे देखिए 5 7 35, 5 1 5 3 8, वैसे आपको टेबल्स याद होनी चाहिए। एंड 6 3 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 6 7 क्या हो जाएगा, 42। अब देखिए क्या ये किसी टेबल से डिविजिबल है, तो अगर हम कंपेयर करते हैं जो हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 2 है, तो मतलब 2 से कॉमनली डिवाइड नहीं होंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ऐड करने पे जो नंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए, जो आंसर आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर हम 8 + 3 करते हैं क्या आ जाता है आपके पास, 13 आता है, तो वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। और ये फ्रैक्शन कौन सा आ गया, ये भी अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। क्यों होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कब होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब आपका न्योमिनेटर ग्रेटर देन हो एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, तो ये हमारा क्या आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगेन हम क्या करेंगे, 85 को 42 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे देखिए 42 2 कर देंगे, 2 2 4, 2 4 8, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो राइट डाउन करेंगे इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो क्या आंसर आएगा, 2 2 1 अपॉन 42। सो दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखिए 3 to 2/5 मल्टीप्लाई बाई 4/7। अगेन देखिए जो 3 to 2/5 है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें गिवन है। सो 5 3 15 प्लस 2 इज 17 अपॉन में क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 17/5 मल्टीप्लाई में क्या है, 4/7। अगेन न्योमिनेटर की न्योमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी। सो 4 7 28, 4 1 4 प्लस 2 68 अपॉन 5 7 कितना हो जाएगा, 35। अगेन हम चेक करेंगे क्या ये सेम टेबल से डिविजिबल हैं, तो नहीं होंगे डिवाइड, तो हम क्या करेंगे इन्हें सिंपली, और ये है कौन सा फ्रैक्शन, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो सिंपली हम इन्हें डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, 68 को 35 से डिवाइड करेंगे, तो 35 1 आ जाएगा, 35। एंड देन जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, 6 - 3 = 3, 33। तो राइट डाउन करेंगे इन्हें इन अ क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो क्या आ जाएगा, 1 2 33 अपॉन 35। सो दिस इज योर आंसर, क्लियर। नाउ मूव करते हैं पार्ट 6 की तरफ। 6 में क्या है, 2 to 3/5, 2 to 3/5 गिवन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन 5 2 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा,
थर्टीन अपॉन फाइव। तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो थर्टीन अपॉन फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री। अब यहाँ पे नंबर कैसा है, होल नंबर है, तो ध्यान रहे होल नंबर की मल्टीप्लीकेशन जो होगी तो न्योमिनेटर की न्योमिनेटर से होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है इट्स मीन हम यहाँ पे वन ले सकते हैं। अगर आप इस सिंपली नहीं लेना चाहते हैं तो ये थर्टीन अपॉन फाइव सिंपली भी हम थ्री लेंगे तब भी हम इसकी मल्टीप्लाई इससे ही करेंगे, ठीक है। तो थर्टीन थ्री का कितना हो जाएगा, थर्टी नाइन, या तो फाइव हम एज इट इज़ लिखते हैं या फिर अगर फाइव मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, फाइव ही आएगा, ठीक है। तो ये अगेन हमारा कौन सा आ गया, ये अगेन हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि हमारा जो न्योमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो अब अगेन हम डिवाइड करेंगे 39 को 5 से, सो 5 सेवन का कितना हो जाएगा 35, 9 माइनस 5 इज 4, सो राइट हम करेंगे इन द इन फॉर्म ऑफ क्लॉक वाइज डायरेक्शन, सो 7 टू 4 अपॉन 5, सो दिस इज़ योर आंसर, क्लियर। नाउ मूव करते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। 3 टू 4 बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 5। 3 टू 4 बाय 5 मिक्स फ्रैक्शन हमें गिवन है, तो पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो 5 थ्री इज़ 15, 15 प्लस 4 इज 19 अपॉन 5। तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे आ जाएगा 19, यहाँ पे 7 है, सॉरी नीचे क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। 7 थ्री इज़ क्या हो जाएगा 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। 7 थ्री इज़ 21 प्लस 4 क्या हो जाएगा 25 अपॉन 7। ये बाई मिस्टेक यहाँ पे मैंने 5 ले लिया था, तो यहाँ पे 7 है, अगर 5 लेंगे तो क्वेश्चन सारा ही गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ये 25 अपॉन में आ जाएगा 7 एंड मल्टीप्लाई में है 3 अपॉन 5। अगेन न्योमिनेटर की न्योमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी। सो 25 थ्री ज़ा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 75 अपॉन 75 का कितना हो जाएगा आपके पास 35। अगर हम चेक करते हैं डिनोमिनेटर एंड न्योमिनेटर को तो दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं, तो पहले हम इसे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी लोवेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये 75 अपॉन 35 है, 5 वन ज़ा 5, 5 फाइव ज़ा 25, 5 सेवन ज़ा 35, यानी क्या हो जाएगी 15 अपॉन 7। और जो 15 अपॉन 7 है वो कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि जो हमारा न्योमिनेटर है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से। तो आगे हम इसका आंसर राइट डाउन करेंगे इन मिक्स फ्रैक्शन। सो हम क्या करेंगे, 15 को 7 से डिवाइड, सो 7 टू ज़ा 14, रिमाइंडर इज 1, सो राइट डाउन इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन, सो योर आंसर विल बी 2 टू 1 अपॉन 7, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, क्लियर। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3, एंड डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियोज फॉर मोर क्वेश्चन। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।